हेलो स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन ऑफ बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली बायोलॉजी क्लास में अध्ययन कर रहे थे पादप की प्रारूपिक संरचना, तो आज का हमारा टॉपिक होगा मूल या जड़। मूल या जड़ क्या है? आपको पहले बताया गया था कि पादप दो अंगतंत्रों से बना होता है, नंबर एक रूट सिस्टम, नंबर दो शूट सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रूट सिस्टम की बात करेंगे, और रूट सिस्टम में हम मूल की बाह्य आकार की बात करेंगे। ये समझने से पहले थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ये बीज की संरचना है, और इस बीज की संरचना में ये दो बीज पत्र हैं, ये हैं बीज पत्र, और इस बीज पत्र के बीच में ये संरचना है, इसको बोलते हैं भ्रूणीय अक्ष। ये आपको ध्यान रखना है, ये भ्रूणीय अक्ष है, और इसी भ्रूणीय अक्ष के अंदर स्थित होता है भ्रूण, होता है एम्ब्रियो। भ्रूण के ऊपर का भाग, इसको बोलते हैं प्रांकुर, ये आपको ध्यान रखना है, इसको क्या बोलेंगे प्रांकुर, और ये नीचे का भाग होता है, इसे कहा जाता है मूलांकुर। आपको पहले बताया गया था कि प्रांकुर, इस प्रांकुर से क्या बनता है, सूट सिस्टम बनता है, जिसे बोलते हैं प्रेरोतंत्र, जिसकी उत्पत्ति किससे होती है प्रांकुर से। नंबर दो भाग है रूट सिस्टम मूल तंत्र, जिसकी उत्पत्ति होती है मूलांकुर से। मूलांकुर से बनता है रूट सिस्टम और प्रांकुर से बनता है सूट सिस्टम। तो आज हम टॉपिक जिसकी बात करने जा रहे हैं मूल या जड़ क्या है। ध्यान देंगे कि भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होने वाली संरचना क्या कहलाती है, मूल कहलाती है। कि भ्रूण के मूलांकुर से बीजांकुरण के समय जब बीज का क्या होता है, अंकुरण होता है, उस समय विकसित होने वाली संरचना क्या कहलाती है, जड़ या मूल कहलाती है। यानी भूमिगत संरचना जो मूलांकुर से विकसित होती है उसे क्या कहा जाता है, जड़ या मूल के नाम से जानते हैं। ध्यान देंगे इधर क्या है, सूर्य है, और इधर क्या है, पृथ्वी है। यह आपको ध्यान रखना है कि मूल सूर्य के प्रकाश से क्या जा रही है, दूर जा रही है, अतः इसे कहा जाता है ऋणात्मक प्रकाश मूर्ति। ध्यान रहे कि मूल को ऋणात्मक प्रकाश मूर्ति कहते हैं, क्यों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मूल सूर्य के प्रकाश से क्या जाती है, दूर जाती है, इसलिए इसे ऋणात्मक क्या कहा जाता है, प्रकाश मूर्ति कहा जाता है। मूल नीचे की ओर देखें तो मृदा में नीचे की ओर जा रही है, पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र की ओर जा रही है, अतः इसे कहा जाता है धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। आपको ध्यान रखना है जड़ को धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र की वृद्धि करती है। तथा यदि हम बात करें कि मूल हमेशा जल की ओर वृद्धि करती है, ये मृदा में नीचे किधर जा रही है, जल की ओर जा रही है, अतः इसे कहा जाता है धनात्मक जलानुवर्ती। मूल को धनात्मक जलानुवर्ति कहा जाता है, क्यों, तो आपको बताना है क्योंकि मृदा में ये हमेशा किधर जाती है, जल की ओर गति करती है, इसलिए इसे कहा जाता है धनात्मक जलानुवर्ति। तो ये मूल की बात थी कि मूल क्या है, कि पौधे का भूमिगत भाग जो बीजांकुरण के समय मूल
मूलांकुर से विकसित होता है उसे जड़ या प्राथमिक मूल के नाम से जानते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद में हम बात करेंगे मूल के सामान्य लक्षण। मूल के सामान्य लक्षण क्या है? सामान्य लक्षण आप निकाल सकते हैं, सामान्य लक्षण में नंबर एक, मूल पौधे का भूमिगत भाग होता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके सामान्य लक्षण की बात करें कि मूल पौधे का कौन सा भाग होता है? भूमिगत भाग। पौधे का भूमिगत भाग होता है अर्थात ये मृदा में नीचे की वृद्धि करती है। नंबर दो, मूल में परणहारी जिसे बोलते हैं हरित लवण का अभाव होता है, अतः यह हरी नहीं होती है, यह ज्यादा प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है। नंबर तीन, मूल के शीर्ष भाग के ऊपर, जो आपको पहले भी आपको बताया गया था, शीर्ष भाग के ऊपर एक सुरक्षात्मक टोपी पाई जाती है जिसे कहा जाता है मूल गोप, रूट कैप। मूल गोप क्या है? आपको ध्यान रखना है कि मूल के शीर्ष भाग के ऊपर पाई जाने वाली एक सुरक्षात्मक टोपी, जो जब मूल होती है, जब मृदा में नीचे की ओर वृद्धि करती है, तो उसे नष्ट होने से बचाने का कार्य कौन करती है? रूट कैप। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल गोप का क्या कार्य है? यह एक सुरक्षात्मक टोपी है जो मूल के शीर्ष भाग को मृदा में नष्ट होने से बचाने का कार्य कौन करती है? मूल गोप, जिसे रूट कैप के नाम से जानते हैं। नंबर चार, मूल को ऋणात्मक प्रकाश मूर्ति कहा जाता है। मूल को ऋणात्मक प्रकाश मूर्ति कहा जाता है, क्यों? क्योंकि मूल सूर्य के प्रकाश से क्या जाती है? दूर जाती है, इसलिए इसे ऋणात्मक प्रकाश मूर्ति कहा जाता है। मूल को धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती व धनात्मक जलानुवर्ती कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि मूल पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र की ओर वृद्धि करती है तथा मूल हमेशा जल की ओर वृद्धि करती है, इसलिए इसे धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती तथा धनात्मक जलानुवर्ति कहते हैं। तो यह है मूल के सामान्य लक्षण जिसके हम बात कर रहे थे, जड़ या मूल, और ये मूल के सामान्य लक्षण जिसकी बात कर रहे हैं। तो यहां तक टॉपिक शायद क्लियर हो गया होगा, फिर भी समस्या हो तो आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज बायोलॉजी क्लास में इतना ही, धन्यवाद।